हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.2 की। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है अपना रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। तो किसी नंबर को, चाहे वो नंबर कैसा भी हो, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो, सिंपल नंबर हो, तो उसको नंबर लाइन पे अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ये है अपनी नंबर लाइन, ये अपना 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1, इधर -2। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी आप नंबर लाइन बनाओ तो आपने जैसे ये अपने लाइन बना ली, उसके बाद में जब आप ये नंबर ले रहे हो ये सेम डिफरेंस पे लेना। ठीक है ना, अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपने 1 cm ली है तो आगे वाली भी 1 cm होनी चाहिए। एक तो अपने को ही ध्यान रखनी है, ठीक है। और सेकंड, अभी जो अपने सीखेंगे नंबर लाइन पे नंबर को कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये 0, 1 एंड 2, ठीक है, ये 1 एंड 2। ध्यान से देखना है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बोल दूँ नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। तो ये लो अपन ने कर दिया, आप कैसे भी आप रेक्टेंगल बनाए करो, भी 2 दिखाना है अपने को, ये रहा 2। ठीक है, नंबर लाइन पे दिखा दिया मैंने। मैं बोल दूँ आपको नंबर लाइन पे 0 को आप रिप्रेजेंट करिए तो आराम आराम से कर दोगे, ये लो सर 0 हो गया। ठीक है, ये माइनस का है इधर, ये माइनस का। मैं बोल दूँ नंबर लाइन पे -1 को रिप्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल आप माइनस वाला ये रहा। ठीक है, क्योंकि 0 से अगर लेफ्ट साइड में मैं जाऊँ तो सारे माइनस के नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, माइनस के, और राइट साइड में पॉजिटिव। तो आप आराम से कर दोगे, सर ये रहा अपना -1। ठीक है, लेकिन अगर नंबर हो जाए अपना, नंबर आ जाए अपना नंबर आए अपना और यहाँ -1 और -2, नंबर आ जाए अपना फ्रैक्शन में, मान लीजिए अपना आ गया 2/1। ठीक है, ये तो आराम से 2 ही हो गया, ये हो गया अपना 3/2। ठीक है, मान लीजिए अपना नंबर आ गया 3/2, इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है 3/2। तो पहले इनका डिवाइड कीजिए अपने, ठीक है, डिवाइड करके इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है अपने को, डिवाइड करने पे आएगा अपना। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो मेरा 2 आ गया, 3 से 2 को डिवाइड करूँगा तो मेरा 2 बन जा, 2 मेरा रह गया 1। ठीक है, तो ये अपना मेन है, कोशेंट है, रिमाइंडर अपना ऊपर आएगा और ये जो है अपना साइड में, ठीक है, नीचे, ये बन गया 1 एंड 1/2। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँगा, देखना ध्यान से, 1 एंड 1/2 याद रखना, अपने को डिवाइड करने पे क्या आया 1 एंड 1/2, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन पे, 0 1 एंड 2, ये -1 और इधर -2, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 तो कंप्लीट हो गया, यानी इसने क्या लिया 1 एंड 1/2 को अपने को रिप्रेजेंट करना है। ये कहाँ तक बनेगा 1 एंड 1/2 कहाँ तक बनेगा, तो 1 तो कंप्लीट बनेगा अपना यहाँ तक, 0 से लेके 1 तक 1 तो आ गया। ठीक है, 1 तो आ गया अपना, अपने को 1/2 और रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1/2 तक अपने को चलना है, अपने को चलना है 1 एंड 1/2। ठीक है, तो 1 तक तो मैं चला गया। ठीक है, अब 1/2 इसको कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 1 तो अपना कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन आगे आगे जो भी नंबर है उसमें हाफ लेना है अपने को। ठीक है ना, आगे जो भी नंबर है, यानी अब जो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसको अपने को क्या करना है, देखना ध्यान से, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपने को अब बताती है कि जो अपने अपने पार्ट ले रखे हैं नंबर के, ठीक है, जैसे 1 एंड 2, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में, 1 एंड 2 को मैं जो 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ये लो मैंने कर दिया। अभी बोल रहा है 2 हिस्सों में डिवाइड तो हो गए, लेकिन उसमें से ये पूरे 2 बन गए, ठीक है,
उसमें से वन ही और लिया है मैंने, टू में से मेरा वन ही आया है, ठीक है। तो अपने को वन तक और चलना है आगे वाले में, ठीक है। ये वन तक मैं चला गया, तो ये हो गया मेरा वन एंड वन बाई टू, ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा। वन तो कम्प्लीट आया है और आगे वाले में क्या है मेरा, हाफ आया है, ठीक है। आगे वाला जो नंबर था उसमें से क्या लिया मैंने, हाफ लिया, यानी टू में से वन। आगे वाला पूरा नंबर जो बनेगा वो टू है, ठीक है, और उसमें से मैंने क्या ले लिया, वन ले लिया, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी एक एग्जांपल अपने और लेंगे, देखना ध्यान से। एक एग्जांपल अपने और लेते हैं, मान लीजिए मेरे को रिप्रेजेंट करना है 7/4 को, ठीक है, 7/4। अब मेरे को इसको 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, और ये -3 का लाइन है ज़्यादा, ठीक है। अब पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो आप, ठीक है। तो 4 1 जा 4, और रिमाइंडर रहेगा मेरा 3, और ये मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखना, वन तो अपना कंप्लीट आ गया, ठीक है, वन तो अपना कंप्लीट, 0 से 1 तक तुम पहुंच गया, ठीक है, वन तक तो मैंने ले लिया। अब आगे जो मैंने लिया 4 में से 3, आगे वाला जो नंबर है उसको 4 हिस्सों में बांट दो आप, ठीक है, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आगे वाला जो नंबर है, वन तक तुम आ गया, ठीक है, तो आगे वाले नंबर को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें से 3 लेना है अपने को, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी 4 में से क्या आया मेरा, 3, यानी एक तो मेरा नंबर पूरा आ गया, आगे वाला नंबर पूरा नहीं ले सका मैं, यानी 2 तक नहीं पहुंच सका, उसमें से 4 पार्ट बने उसके, 4 में से मैंने 3 ही लिए, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है। तो इसको अपने 4 हिस्सों में बांट दो, जो आगे इस ये वाला है ना, 1 तक तो आ गया, अब इसको 4 हिस्सों में जैसे कैसे बांटेंगे देखना, 3 लाइन जैसे मैं इस पर लगाऊंगा, देखना किसी ये मान लो मेरी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेरे को 4 हिस्सों में बांटना है इस लाइन को, तो 1, 2, 3 लाइन ही मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, 4 लाइन बनाऊंगा, तो 5 हिस्सों में वो लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अपने को 4 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करना है उस लाइन को, तो अपने 3 लाइन उसके बीच में लगाएंगे। अब 4 लाइन में हो जाएगा, देखना है, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा अपना, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो मैंने 3 लाइन लगा दी उस पर, 3 लाइन लगा दी। अभी मेरे को 3 लेना है उसमें से, ठीक है। तो 1 तक तो मैं आ गया, 1 काउंट नहीं करना, ठीक है, 1 तो मैंने ले लिया, ठीक है, 1 तो आ गया। अब आगे वाले 4 में से 3, जो आगे 4 हैं, 1, 2, 3 और यहाँ तक 4 हैं, 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसमें से अपने को 3 ये काउंट मत कर लेना, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है, 1 तक तो कम्प्लीटली पहुँच गया। अब आगे मैंने 3 और लिए हैं, ठीक है ना, 1 छोटे वाले 2 और 3, यानी ये वाला 3, ठीक है, आगे वाला 4, ये हो गया मेरा 1 एंड 3/4, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है। अब चलिए एक नंबर वो लेते हैं अपने, मान लीजिए मेरे पास में है 0, मैंने नंबर लिया 0, 1, 2 और 1, माइनस का और माइनस का 2, ठीक है, ये नंबर मैंने लिए हैं। तो अब इसमें देखना ध्यान से, करना क्या है अपने को, मान लीजिए मेरा नंबर है 3/4, ठीक है। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बना सकते, क्योंकि जो मेरा न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड अपना कर ही नहीं सकते अपने, ठीक है, स्टार्टिंग में अपने पॉइंट आ जाएगा, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बात तो है ना कि ये पूरा 1 ही नहीं बना, है ना, इसका मतलब क्या होना, पॉइंट आ गया स्टार्टिंग, 1 ही नहीं, 1 तक भी मैं टेबल नहीं पढ़ पाऊंगा, यहाँ पे 4 की टेबल में 1 तक भी नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात तो इसमें क्लियर है कि ये मेरा 1 तक भी मैं नहीं पहुँच पाया ना, 1 तक भी मैं नहीं पहुँच पाया, यानी जो मेरी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 पे भी नहीं आएगी, क्योंकि 1 तो मेरा बना ही नहीं है ना, तो जो वैल्यू आएगी मेरी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। अब देखना ध्यान से, 0 और 1 के बीच में कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसको। तो जो ये जो मेरा नंबर आया, ठीक है, इसमें नॉर्मल सी बात है, देखना ध्यान से, पहले मैं इस पूरी ये नंबर लाइन है मेरी स्टार्टिंग वाली, है ना, क्योंकि ये नंबर मेरा इसी के बीच में आएगा, ठीक है, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, यानी 4 पार्ट बने मेरे पूरे इसके,
मैंने 4 पार्ट बनाए और 4 में से मेरा क्या आया, ओनली 3 आया, मेरा 1 ही पूरा नहीं आया। जो 1 था स्टार्टिंग वाला वो मैं पूरा नहीं पहुंच सका उस पर, यानी 1 को अगर मैं इस पूरे 1 को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो फिर उसमें से आप मेरे को 3 दो, इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। तो पहले इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो 0 से 1 तक, 1 2 3, ठीक है। ये 4 पार्ट में हो गई, ये पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर हैं ये 4 पार्ट में अपनी हो गई। अब देखना ध्यान से, अब उसमें से मैंने 3 ही लिया है, ठीक है ना। अब 0 तक तो ऑलमोस्ट कोई चीज़ होती ही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करना अपने को। मैंने 3 लिया, 0 तो अपने है ही, अगर अपने मार्क्स कुछ भी नहीं आते तो 0 तो अपने कम से कम आते ही हैं, ठीक है, तो 0 तो अपने ऑटोमेटिक होते हैं। तो मैंने 3 लिया है, तो आप 1 से लोगो, 1 2 3, यानी 3 बाई लाइन पे आप देखो, तो ये है 3 बाई 4, ये मैंने 3 बाई 4 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसी नंबर को। अब मान लीजिए ये तो हो गया, अच्छा अब कैसा भी नंबर है, मान लीजिए, अब मान लीजिए आ गया मेरा, मैं ले रहा हूँ 1 लिया, ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये 0 हो गया और ये 1, ठीक है। आगे 2 चलेगा, 3 4, इधर माइनस के, अब ये लेने के मेरे को नीड नहीं है क्योंकि ये जो मेरा डिवाइड है ये कंप्लीट 1 तक ही नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब ये 3 को डिवाइड करना है 5 से तो 1 जहाँ पे भी नहीं जाएगा ना, छोटा रह गया नंबर, तो कहने का मतलब मैं 1 तक भी नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका मतलब बना कि ये जो पहली वाली जो नंबर लाइन है 0 से लेकर 1 तक, इसको आप 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टोटल 5 बनेंगे, 5 अगर इसको पार्ट में बांटूँ तो उसमें से भी मेरा 3 आया है, वो भी 1 भी मेरा पूरा नहीं आया। इस 0 से लेकर 1 तक की लाइन को मैं अगर 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो उसमें भी मेरा 3 आया है, ठीक है ना। पहले 5 पार्ट में बांटो तो 4 लाइन लगाओ बीच में, 1 2 3 4, अब ये 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ठीक है, अब मेरा इसमें से 3 आया है, ठीक है, तो 0 तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है वैसे ही, तो उसमें से 3 काउंट करो, 1 2 3, ये लो 3 बाई 5 हो गया ये, ठीक है ना, ये वाली लाइन है 3 बाई 5 की। तो ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, ठीक है। तो मान लीजिए अब माइनस में नंबर हो तो कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है, माइनस में नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो देखना ध्यान से, माइनस में अगर नंबर हो तो अपने को कैसे करना है। ये मान लीजिए माइनस का 5/6 दिया है, ठीक है, तो पहली बार तो आंसर तो माइनस का आएगा, यानी 0 से लेके, ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, पॉजिटिव की तरफ तो जाने की नीड नहीं है मेरे को, ठीक है, क्योंकि तो जो आएगा नंबर माइनस का आएगा तो माइनस की तरफ ही आएगा, पहली बार तो रिप्रेजेंट होगा माइनस की तरफ ही, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेते हैं अपने, यहाँ मान लीजिए 0 है, इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव चल रहे हैं, इधर क्या चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, ये लो -1 और -2। अब पहली बात तो आप डिवाइड दो, डिवाइड देने पे जो मेरा नंबर आएगा वो 1 भी नहीं आएगा ना, देखे देखो 6 की टेबल यानी 5 को, आंसर तो माइनस का आएगा, माइनस एक बार छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6 से, माइनस तो अपने एक ही, माइनस का मतलब यही है कि माइनस की तरफ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 6 को जब मैं डिवाइड 5 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6 से तो मेरा 1 तक भी नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब मैं -1 तक नहीं पहुंचा, ठीक है, मैं -1 तक नहीं पहुंचा, उसके बीच में कहीं हूँ, 0 और -1 के बीच में मैं कहीं पर हूँ, ठीक है। तो मेरे को रिप्रेजेंट करना है -5/6, तो कहने का मतलब आप 6 पार्ट में इसको बांट दो, ठीक है, 6 पार्ट में इसको बांट दो, तो 6 पार्ट को बांट दूंगा तो बीच में 5 लाइन खींचूंगा मैं, 5 लाइन, 1 2 3 4 और 5, दोबारा बना रहा हूँ एक बार, दोबारा करें सारा, ये -5/6 को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मेरा 0 से लेके ये -1 हो गया, ठीक है, इधर -2 चलेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पॉजिटिव, वो अपने को लेने की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो 6 हिस्सों में बांट दो, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब यही है कि आप पहले उसको पूरे को बांटो, यानी 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया, ठीक है। तो अब उसमें से भी मेरा क्या है, -5, यानी 1 2 3 4 और 5 आया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये नहीं लेना, 0 ऑटोमेटिकली है होता है, ठीक है,
वो नहीं लेना, 0 तक तो मैं पहुंच गया, और ये मेरा 1, 2, 3, 4 और 5, ये मेरा -5 अपॉन में 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे किसी नंबर को। अब देखना, 2-4 क्वेश्चन दिए नीचे, देखना ध्यान से, पूरा रेज कर रहा हूँ मैं। -2/11, अब ये भी, अब सुनना ध्यान से, ये जो रिप्रेजेंट होगा माइनस की तरफ होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर है, माइनस की तरफ रिप्रेजेंट होगा। अब 2 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है, तो 2 तो डिवाइड होगा ही नहीं 11 से, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है अपना, यानी 1 तक भी नहीं जाएगा ये, 11 बन जा 11 होता है, 11 तक ही नहीं, 1 तक भी नहीं जाएगा, 1 तक मैं टेबल नहीं पढ़ पाऊँगा। तो आप जो मेरा नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 0 और -1 के बीच में कहीं होगा ना, 0 और -1 के बीच में कहीं पर होगा। तो आप नीचे जो 0 और -1 वाली लाइन है उसको 11 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, 11 हिस्सों में बांट दो, यानी 10 लाइन उनके बीच में बनाओ, और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनानी है, ठीक है। चाहे आप स्केल का यूज़ में ले सकते हो, ठीक है, या अगर आपके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है तो आप उसको भी काम में ले सकते हो, वैसे स्केल ठीक रहेगा, सबके पास अवेलेबल होता है तो उसे आप कर सकते हो। और इसमें जैसे आप 11 हिस्सों में बांटोगे तो उसमें -2 लेना आपको, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये है अपनी 0 और यहाँ -1 है, मान लीजिए यहाँ 11 ना हो कि मैं छोटा ले लूँ, क्योंकि मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा यहाँ पे तो मेरे को दिक्कत आएगी, सेकंड बड़ी नहीं है मेरे पास में, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ अपने -2/5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मान लो मेरा 0 है, तो माइनस की तरफ लेने की नीड है मेरे को, तो अब मैं 5 हिस्सों में इसको बांट दूंगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये -1 का है ही, ठीक है, तो ये 5 हिस्सों में 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है, तो मेरा -2 ही आया उसमें, ठीक है, तो -2 ये -1 का है, ठीक है, -1 वैसे तो ये है, लेकिन इसको अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने और इसको 5 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, माइनस वाले को, तो -1, -2, -3, -4 और -5, ये मेरा 1 तक पूरा गया। अगर यहाँ -5 हो जाता, मान लीजिए यहाँ 5 हो जाता, ठीक है, तो ये 5 और 5 ही क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है, तो ये माइनस, यानी 5 हिस्सों में बांट दिया और ये -2 तक ही पहुँचा है, ठीक है, -2 तक ही पहुँचा है, 1, -1 और -2, तो ये हो गया -2/5। अगर ये -3 होता तो ये -3 यहाँ पहुँच जाता है, अगर ये मान लो -4 होता तो ये -4/-4.5 यहाँ पहुँच जाता, अगर ये -5 होता तो 1 बन जाता ऑटोमेटिकली, -5/5 ये 1 बन जाता है, -1 तक पहुँच जाता है, ठीक है। अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे किसी नंबर को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये अपना नंबर लाइन हो गया कंप्लीट, ये आप कर लेना आराम से। कल के वीडियो में अपने पढ़ेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में, अपने दो नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर है उनके बीच में, अगर अपने को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में तो कैसे करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।